हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इन केस हमारे पास लिनोवो का लैपटॉप है और इसमें यह प्रॉब्लम आ रही है कि जब भी हम अपने लैपटॉप का स्क्रीन ओपन करते हैं तुरंत हमारा पीसी जो है ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस, ये प्रॉब्लम जब भी हम कोई नया पीसी बाय करते हैं तो यह डिफ़ॉल्ट सेटिंग आती है उसके साथ में कि जब भी हम अपने पीसी का लिड ओपन करें वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाए, पर कुछ समय के बाद ये हमको इरिटेटिंग लगने लगता है। इसलिए हम इसको आज फिक्स करना आप लोगों को बताने वाले हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको सबसे पहले अपने लैपटॉप को रिस्टार्ट कर देना है। आपका लैपटॉप जैसे ही रिस्टार्ट होने लग जाए, आपको अपने पीसी का बायोस सेटिंग का की जो है उसको दबाना होगा। तो हमारे केस में हमारा लिनोवो का लैपटॉप है, इसलिए F2 की को हम बार बार प्रेस करेंगे। F2 की को प्रेस करने के बाद हमारा पीसी जो है आप देखेंगे यह बायोस सेटिंग में आ चुका है। बायोस सेटिंग में आने के बाद आप देखेंगे हमारा लैपटॉप जो है वह इन्फॉर्मेशन टैब में है, तो इसको राइट एरो की मदद से कॉन्फ़िगरेशन टैब में ले जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन टैब में आने के बाद आप ड्रॉप डाउन मेनू में देखेंगे आपको डाउन एरो की मदद से फ्लिप टू बूट ऑप्शन पर जाना है। आप जैसे फ़्लिप टू बूट ऑप्शन पर जाएंगे आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आप देखेंगे यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, इनेबल और डिसेबल। आपको इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के लिए आपको डाउन एरो की को प्रेस करना है एंड इंटर को प्रेस करना है। आप जैसे इंटर को प्रेस करेंगे आपका फ़्लिप टू बूट ऑप्शन जो है वह डिसेबल हो जाएगा। इसको सेव करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से F10 की को प्रेस करना होगा। आप जैसे F10 की को प्रेस करेंगे आपकी बायोस सेटिंग जो है वह सेव हो जाएगी और आपका बायोस सेटिंग एग्ज़िट हो जाएगा। तो एग्ज़िट करने के बाद आप देखेंगे आपका पीसी जो है वह रिस्टार्ट हो गया। रिस्टार्ट होने के बाद आपका पीसी जो है वह फिर से ऑन हो जाएगा। और अब जब आप अपने पीसी को शट डाउन करेंगे और लिड को बंद करेंगे, उसके बाद आप जब अपने लिड को ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी जो प्रॉब्लम थी वह सॉल्व हो चुकी है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।